डियर फ्रेंड्स, आइए हम प्रेपोजिशन को कंटिन्यू करें। इस वीडियो में मैं आपको जनरली ओवर का यूज, फिर अंडर का यूज, फिर अबाउ का यूज, फिर बिलो का यूज, इन चार प्रेपोजिशंस को मैं कवर कर रहा हूं। पहला ओवर, ओवर का ही याद रखिएगा जो एंटोनिम होता है वो होता है अंडर। और फिर जो अगला प्रपोजिशन है वो है अबाउ, ए बी ओ वी ई। इसका जो करेक्ट प्रोनंसिएशन होता है दैट इज अबाउ, अबव नहीं। और अबाउ का जो एंटोनिम होता है वो होता है आपका बिलो। तो आइए पहले हम ओवर को समझे। ओवर और खास तौर पे हमारा जो अबाउ है इसके यूज में जनरली हम जनरली कंफ्यूज होते हैं, ओवर किन कंडीशन में यूज करते हैं और अबाउ किस कंडीशन में, क्योंकि दोनों का जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है ऊपर या के ऊपर। आइए देखें, ओवर स्टैंड्स फॉर हाइट। देखिए ये हाइट के लिए होता है, ये ध्यान रखना आपको। वर्टिकली अपवर्ड मीन्स स्टैंडिंग, जहां पे वर्टिकल हाइट, वर्टिकली, वर्टिकली जानते हैं स्टैंडिंग लाइन, ये चीज, दिस इज द स्टैंडिंग लाइन। एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दिस, दैट इज स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली स्ट्रेट, एकदम सीधा। अगर कोई चीज ठीक किसी चीज के ऊपर, ठीक किसी चीज के ठीक ऊपर है, जैसे कहना होगा कि मेरे सिर के ऊपर फैन है, या मेरे सिर के ऊपर एक बल्ब है, तो यहां ये जो बल्ब है ये मेरे सिर के ठीक ऊपर है। यहां हम हाइट की बात कर रहे हैं, किस तरह की, वर्टिकल एब्सोल्यूटली, क्योंकि ये जो मेरा हेड है ये क्या नहीं हो रहा, ये कोई स्प्रेड नहीं कर रहा, फैल नहीं रहा है। ठीक ऊपर जो हमारा जो लाइट है या जो बल्ब है या जो फैन है उसका भी वही कंडीशन है। तो कहना होगा कि मेरे सिर के ऊपर एक बल्ब है या मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, तो मैं क्या कहूंगा, देयर इज अ बल्ब और अ फैन ओवर माय हेड। जहां पे ओवर का मैं यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि सीधे वर्टिकल है, सीधे सिर के ऊपर है। और दूसरा, दैट इज नॉट स्प्रेड, जो फैला हुआ भी नहीं है। तो कोई चीज ठीक किसी दूसरे चीज के ऊपर है वो स्प्रेड नहीं है, वर्टिकल है, सीधे है, दैट इज ओवर। आइए एग्जाम्पल से इसको और हम समझे। दैट ड्रोन वॉज होवरिंग ओवर माई हेड। देखिए दैट ड्रोन वॉज होवरिंग ओवर माई हेड, वो जो ड्रोन था वो मेरे सिर के ऊपर मंडरा रहा था। देखिए सिर के ऊपर मंडरा रहा था ड्रोन, जो फैला हुआ नहीं है, ठीक सिर के ऊपर है। तो वहां पर हाइट, किस तरह की हाइट, वर्टिकल हाइट, हॉरिजॉन्टल नहीं, फैली हुई नहीं। लेकिन यही बात कहनी हो कि द किस, हमारे सिर के ऊपर आकाश है, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, अबाउ का। क्यों, क्योंकि जो स्काई है दैट इज स्प्रेड, वो फैला हुआ है, तो वहां पे हमको अबाउ, वहां पे हॉरिजॉन्टल, वहां हॉरिजॉन्टल सेंस में वो दे रहा, वो हॉरिजॉन्टल सेंस दे रहा, तो इस केस में हम वहां पे अबाउ का यूज करेंगे। आइए और देखते हैं। देखिए द फैन इज ओवर माई हेड, फैन मेरे सिर के ऊपर है। अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ओवर दैट रिवर। अब यहां देखिए, नदी के ठीक ऊपर क्या होता है, नदी के ठीक ऊपर जो है ब्रिज बनाया जाता है, ठीक ऊपर, वर्टिकल। तो इस केस में भी हम ओवर का यूज करेंगे, अबाउ का नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हम ब्रिज के लिए अक्रॉस का भी यूज करते हैं, ए सी आर ओ एस एस, देयर इज अ ब्रिज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर और दैट रिवर।
दूसरा अगला यूज आप देख लीजिए जो है, ये तो पहले आप समझे, जहां भी वर्टिकल हाइट की बात होगी तो ओवर, जहां हॉरिजॉन्टल वहां पे माय बैड, वहां के लिए आप अबव लिखें। अभी अबव को अगर मैं आगे बताऊंगा आपको, अब यहां समझ लेते हैं। देखिए जो है इसका यूज स्प्रेड के सेंस में भी होता है, जहां पर एक चीज, ध्यान देना आपको, जहां पर एक चीज दूसरी चीज को कवर कर रही हो, ढक रही हो, उस केस में भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे कहना होगा कि बच्चे के ऊपर कंबल डाल दो, तो क्या कहेंगे, पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड और ओवर द बेबी। वहां पे अबव नहीं, कोई और वर्ड नहीं, वहां पे भी हमको ओवर का यूज करना, ये ध्यान देना है। देखिए क्या मैंने लिखा है, स्प्रेड पुट द कार्पेट ओवर द फ्लोर। यहां देखिए पुट द कार्पेट ओवर द फ्लोर, यहां पे देखिए फ्लोर को हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं फ्लोर को, फर्श को, फर्श पे कार्पेट बिछा दो, तो हम क्या कहेंगे, पुट द कार्पेट ओवर द फ्लोर और स्प्रेड द कार्पेट ओवर द फ्लोर या अनरोल द कार्पेट ओवर द फ्लोर। यहां देखिए टू कवर, एक चीज को दूसरी चीज से ढकने के केस में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वही चीज जो मैंने आपको बताया। सॉरी यहां देखिए स्प्रेड, ये अशोका रूल्ड, यहां देखिए मैंने मिस कर दिया, अशोका रूल्ड ओवर, यहां ओवर कर लीजिएगा, ओ वी ई आर, अशोका रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर। अशोका एक बहुत फैले हुए, देखिए फैले हुए, इस केस में भी हम ओवर का यूज करते हैं कि अशोका एक बहुत बड़े जो है राज्य पर शासन करते थे, तो क्या होगा, अशोका रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर। एक जहां पर एक चीज दूसरे चीज को ढक रही है, कवर कर रही है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं यूज ओवर, जैसे मैंने बताया, अनरोल द कार्पेट ओवर द फ्लो, पुट द ब्लैंकेट और क्विल्ट ओवर द बेबी। अब इसी का जो ऑपोजिट एंटोनिम होता है अंडर, उसका यूज देखिए, वो भी ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक एक चीज दूसरी चीज के ठीक नीचे है, जहां हाइट की बात हो रही, तो वहां पर भी हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे देखिए, अंडर इज द ऑपोजिट ऑफ ओवर, मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए वर्टिकली, ये आपको ध्यान रखना है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स को हमें ध्यान रखना है, जो कोई चीज ठीक दूसरी चीज के नीचे हो वर्टिकली। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, मैं एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ठीक एक ट्री के नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वहां पे भी हाइट, वर्टिकली जो है एक चीज दूसरे चीज के नीचे है, स्ट्रेट दिस और ये स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। जैसे माय डॉग वॉज सिटिंग अंडर द बेड, बेड के ठीक नीचे, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मेरा कुत्ता बेड के नीचे बैठा हुआ था, तो वर्टिकली स्ट्रेट, ये ध्यान देना है। अब देखिए अबव गिव्स द सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स, कोई चीज और देखिए लेवल वाइज हाइट, जब लेवल वाइज हाइट दिखाना होता है तो उस केस में हम अबव का यूज करते हैं, या लेवल की जब बात करनी होती है तो हम अबव का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, माय परफॉर्मेंस इन द मैच वॉज अबव एवरेज, यहां ओवर एवरेज नहीं, जैसे कहना होगा उसकी बातें मेरी समझ से परे हैं, उसकी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, यानी कि जिसकी बातों का लेवल है वो मेरे अंडरस्टैंडिंग से बहुत ज्यादा, तो क्या कहूंगा, हिज टॉक इज अबव माई अंडरस्टैंडिंग। और देखिए मैंने क्या एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर, देखिए माई परफॉर्मेंस इन द मैच वॉज अबव माई बैड, कि मेरा जो प्रदर्शन था उस मैच में वो एवरेज, औसत से ऊपर था लेवल, ये हाइट नहीं हो रही।
यहां देखिए, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउ ओवर द ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। देखिए क्या यहां होगा कि पक्षी जो है काले बादलों के ऊपर उड़ रही थी। वो काले बादल क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, फैले हुए होंगे। इसका मतलब वहां पे ओवर नहीं आएगा, वहां अबाउ आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। यहां देखिए द स्काई इज अबाउ या ओवर आर हेड, तो यहां पे अबाउ ना कि ओवर। यहां देखिए बिलो, बिलो किसका ऑपोजिट है, अबाउ का। देखिए गिव्स द सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स लेवल, फिर वही देखिए, गर्ल्स बिलो ऑब्लिक अंडर 10 आर नॉट अलाउड इन दिस थिएटर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इतने से कम उम्र के लिए जब बात आती है तो हम हमेशा बिलो का यूज करते हैं। बॉयज बिलो 10, बॉयज जस्ट बिलो 5 आर नॉट अलाउड, बॉयज बिलो 10 आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल विदाउट टिकट इन ट्रेन्स और बसेस। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको ये चीज, आई एम अंडर एज, ओवर एज फॉर दिस जॉब। यहां देखिए अंडर एज और ओवर एज, ये भी एक लेवल की बात करता है, लेकिन ये एक फ्रेज है। अंडर एज तो अंडर के साथ एज, और एज के साथ अंडर और ओवर दोनों आएगा, ये एक फ्रेज है। तो इस केस में आपको दिमाग में रखना है कि क्या आपको यूज नहीं करना है, अबाउ और बिलो यूज नहीं करना है। तो आई होप आपको ओवर, फिर आपका अंडर, फिर आपका अबाउ, फिर आपका बिलो, ये चारों प्रेपोजिशंस क्लियर हो गए होंगे। अगर जो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता है, डू लेट मी नो।